हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। और यह क्लास 12th का फिजिक्स है और L03 मतलब फिजिक्स पे दो क्लास हो चुका है। आज क्लास हम लोग लेकर के आए हैं नंबर 3 और टॉपिक है चालक एवं विद्युत रोधी। हम लोग आज चालक के बारे में पढ़ेंगे, चालक पढ़ेंगे और उसके बाद विद्युत रोधी पढ़ेंगे। अगला होगा फिर कूलम्ब का नियम पढ़ेंगे ना। ये चीजें आज के हम क्लास में देखेंगे। यदि मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। अभी फिलहाल के लिए एयर क्लास फिजिक्स L03 चल रहा है और यह हम लोग पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश, मतलब विद्युत आवेश और क्षेत्र पढ़ा रहे हैं। एक बात है कि आपका मैथ भी चल रहा है इसी चैनल पे और चैप्टर 2 आपका CH मतलब चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और कंप्लीट हो गया, अभी हम लोग चल रहे हैं नंबर 3 में क्या है, मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। तो मैट्रिक्स में मात्र एक क्लास हुआ है और उसका नाम है L10। मतलब जो क्लास हुआ है आपका एक ही क्लास लिया गया है और उस क्लास को आप लोग नंबर 10 पे डाले हैं। तो आप यहां से देख सकते हैं नंबर 2 और नंबर 3 अभी चालू है। फिलहाल के लिए हम लोग फिजिक्स के बात करेंगे और फिजिक्स में जो टॉपिक है वो है चालक एवं विद्युत रोधी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग चालक के बारे में पढ़ेंगे। चालक होता क्या चीज है? तो चालक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर बोलते हैं। और यह चालक क्या होता है, देखिए अभी आवेश वाला पढ़ रहे हैं तो आवेश वाला ही परिभाषा हम लोग देखेंगे। कोई भी पदार्थ है, मतलब कि मान लेते पहले समझे एक पदार्थ है और इस पदार्थ में आवेश जो होता है, आवेश की प्रवाह सरलता रूप से होता है, ठीक है। आवेश की प्रवाह क्या होता है, सरलतम रूप से होता है, सरलतम रूप से होता है। तो जब भी कोई भी पदार्थ है, अगर पदार्थ को हम लेंगे और उस पदार्थ में आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से होता है तो उस पदार्थ को हम नाम देंगे कि यह चालक है, ठीक है। क्या है? चालक है। या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ में आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से हो रहा है। दूसरी बात है कि विद्युत धारा भी आसानी रूप से प्रवाहित होता है तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। तो पहला जो डेफिनेशन होता है हम लोग लिखेंगे चालक के बारे में, लिखेंगे परिभाषा लिखेंगे कि चालक क्या है। तो वैसा पदार्थ जिससे या वैसा पदार्थ जिनसे होकर आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से होता है, मतलब एक थोड़ा सा अजीबो गरीबो वाला जैसा हाल है वैसा पदार्थ, क्या बच्चे, वैसा पदार्थ जिनसे, ठीक है, वैसा पदार्थ जिससे आवेश की परवाह, वैसा पदार्थ जिससे भी लिख सकते हैं जिनसे आवेश की परवाह, वैसा पदार्थ जिनसे आवेश की परवाह, आवेश की प्रवाह, आवेश की परवाह सरलतम रूप से होता है, सरलतम रूप से होता है उसे हम चालक कहते हैं, उसे चालक कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ से यदि आवेश की परवाह सरलतम रूप से होता है, ठीक है, तो उस चालक हम उस पदार्थ को क्या नाम देंगे, चालक देंगे कि यह चालक है। दूसरी बात है कि इस प्रकार के पदार्थ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। तो पहला जो हम लोग टॉपिक लिखेंगे, पहला परिभाषा हो गया कि चालक किसे कहते हैं। तो कोई भी पदार्थ है उस पदार्थ से आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, या इस प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या
इसको बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि मैक्सिमम होता है इस प्रकार के सबस्टांस में। तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है बहुत अधिक होता है या अधिकतम होता है। क्या लिखेंगे? अधिकतम होता है। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होता है या बहुत अधिक होता है। आप इसको याद रखिएगा कि जब भी चालक रहता है तो इस चालक उसी को बोला जाता है कि जैसे कोई भी पदार्थ से आवेश की प्रवाह आसानी रूप से हो जाना चाहिए, और ऐसे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे आप एक बात समझिएगा कि एग्जाम्पल में हम लोग देखें, यदि कहेगा कि चालक का एग्जाम्पल है, कहेगा इस चालक का एग्जाम्पल है, जैसे आप लिखिएगा सोना लिखिएगा, ठीक है, जैसे सोना चांदी कुछ भी लिख देंगे, सोना चांदी कॉपर लिखेंगे, है ना। उसके बाद आप लिखिएगा एल्युमिनियम लिखिएगा, क्या लिखिएगा? एल्युमिनियम लिखिएगा। एल्युमिनियम मतलब जिसको बोला जाता है एल्युमिनियम, एल बोला जाता है। उसके बाद आप लिखिएगा आयरन लिखिएगा, जिसको Fe बोला जाता है, ठीक है, आयरन लिखिएगा ETC। तीन चीजें हम लिखवा देते हैं, चार हो गया, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया। आप मरकरी भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर मन किया तो मरकरी भी लिख सकते हैं हम लोग। मरकरी भी इस चालक का एग्जांपल है और ETC कर लेंगे। तो इसमें दो चीजें आपको याद रखना है कि चालक अगर रहेगा तो चालक में एक पदार्थ होना चाहिए, और इस पदार्थ से आवेश की प्रवाह क्या होना चाहिए? सरलतम रूप से होना चाहिए, आसानी से प्रवाह हो जाना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे कि चालक है। और ऐसे पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होता है नंबर होता है वो मैक्सिमम होता है। जैसे चालक का एग्जाम्पल हो गया चांदी कॉपर एल्युमिनियम आयरन मरकरी हो गया, ETC चलेंगे, इसमें आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से होता है। दूसरा बच्चा टॉपिक है विद्युत रोधी। हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है विद्युत रोधी। थोड़ा डिफिनेशन है ये समझने वाला चीज है, और डिफिनेशन है तो आप समझिएगा एक चालक होगा चाहे इसको ना, और दूसरा विद्युत रोधी इसको हम लोग बोलेंगे अचालक भी बोला जाता है, और इंग्लिश में बोला जाता है इंसुलेटर बोला जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यह क्या होता है, बात करेंगे विद्युत रोधी। कहता है कि ऐसे पदार्थ या वैसा पदार्थ जिनसे आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से नहीं होता है, यही भाषा रहेगा, मतलब एक ना ही लगा देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? विद्युत रोधी बोलेंगे। तो किसी पदार्थ से आवेश की प्रवाह, जब किसी पदार्थ से आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं, उसे विद्युत रोधी कहते हैं। तो बहुत आसान है कि ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत रोधी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? विद्युत रोधी कहेंगे। इस प्रकार के पदार्थ में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसकी संख्या क्या होता है? जीरो होता है। उसकी संख्या क्या होता है? जीरो होता है। अगला हम लोग लिखेंगे इस प्रकार के पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्य या लगभग क्या शून्य ही होता है। ठीक है, शून्य या हम लोग इसको क्या बोलेंगे? नगण्य होता है। शून्य या का लिखेंगे? नगण्य होता है।
मतलब इलेक्ट्रॉन की क्रिया ऑफ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। जब किसी भी चालक किसी भी पदार्थ रहेंगे उस पदार्थ में आवेश की प्रवाह सदंतर रूप से नहीं होगा, उसको हम बच्चे क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। अब अगला है आपका एग्जाम्पल है, हम लोग एग्जाम्पल के बात करेंगे कि वैसा वैसा नाम देना है जिससे विद्युत विद्युत आवेश प्रवाह नहीं होता है। सीधी सी बात है कि कांच हो गया, आप देखिएगा कांच में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, आवेश की प्रवाह होता है तभी जाके विद्युत धारा प्रवाहित होता है किसी चालक में। उसके बाद आप देखे होंगे सुने होंगे प्लास्टिक सुने होंगे रबड़ सुने होंगे ना, यहां से क्या लिखेंगे प्लास्टिक लिखेंगे, ठीक है। प्लास्टिक के बाद हम लोग लिखेंगे पाराफिन, ठीक है, क्या लिखेंगे पाराफिन, पाराफिन मोम होता है। उसके बाद आप पढ़िएगा नाइलोन पढ़िएगा, एक तरह के रबड़ होता है ना, नाइलोन होगा। उसके बाद आप पीवीसी, पीवीसी केमिस्ट्री में पढ़िएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, उसको पीवीसी बोला जाता है ना। उसके बाद चीन क्या होगा, चिमनी मिट्टी आप पढ़ेंगे ना, ईटीसी। तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, ईटीसी मान लेते हैं, चलो ईटीसी ये काफी है ना। कांच में रबड़ में प्लास्टिक में पराफिन मोम में और नायलोन जो होता है पीवीसी होता है, इस तरह के पदार्थ होते हैं इसमें आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहते हैं। तो यह थोड़ा सा डिफिनेशन था, और अगले बार हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, आप इसको समझ गए होंगे। तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि विद्युत रोधी जो है उसका एक एग्जाम्पल बताइए, तो आप बता सकते हैं कि कांच होगा रबर होगा प्लास्टिक होगा पराफिन मोम होगा सूखी हुई लकड़ी, ठीक है, जो सूखा होता है लकड़ी ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सूखी हुई लकड़ी, लकड़ी ना, सूखी हुई लकड़ी, ठीक है, एडीसी कर लेंगे। तो इस तरह से पदार्थ जो होता है इस पदार्थ में आवेश की प्रवाह सरलतम रूप से नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधी कहेंगे। अगले हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और उसका नाम है कूलॉम नियम। तो हम लोग अगले टॉपिक को लिए हैं कूलॉम नियम, या कूलॉम के नियम भी लिखा जाता है। यह नियम जो कूलॉम नाम के एक वैज्ञानिक थे वह नियम दिए हैं कि दोनों आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है वह किसने दिए थे, कूलॉम दिए थे। इन्हें बोला, ध्यान से हम लोग देखेंगे कि इस नियम के अनुसार हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, यह कह दिए थे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अनुसार समान आवेश में, समान आवेश मतलब सजातीय आवेश में, ठीक है, आवेश में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण तथा तथा विपरीत आवेश में, विपरीत मतलब विजातीय आवेश, विपरीत आवेश में, आवेश में, ठीक है, आकर्षण बल लगता है, ठीक है। तो समान कहने के मतलब सजातीय आवेश और विपरीत कहने के मतलब विजातीय आवेश होता है, और दो आवेश होता है। अगर समान आवेश कहने का मतलब एक ही जैसा रहेगा तो उसमें प्रतिकर्षण लगता है, और विपरीत आवेश मतलब प्लस माइनस के रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विपरीत आवेश में आकर्षण लगता है। समान कहने के मतलब दोनों प्लस या दोनों माइनस, विपरीत कहने के मतलब एक प्लस और एक माइनस, यह समान आवेश है और यह क्या है, विपरीत आवेश है। इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा और इसमें आकर्षण बल लगेगा। उसके बाद इन लोग बोले यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों
दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन्होंने बोला कि यदि दो आवेश है और दोनों अगर आवेश यहां से हम लोग करेंगे तो दोनों आवेश का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या हो जाएगा बताइए, समानुपाती होता है। तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के उल्टा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, पाती होता है, आगे हम लोग बढ़ेंगे होता है। तो बोले कि यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या है कि ध्यान से देखेंगे, यहां से हम लोग एक चीजें लिखेंगे, नोट करेंगे कैसे, कि जैसे दो यहाँ पे आवेश है ना, क्या है बच्चे, दो यहाँ पे आवेश है। पहले बात किया गया कि दो आवेश है, तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देखिएगा दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, मतलब यहाँ से एक E1 है और दूसरा क्या है जी बच्चे, T2 है, और इनके बीच की दूरी भी दिख रहा है, मतलब क्या दूरी है, R है। इसके बीच में कौन सा बल लगेगा, या आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ध्यान से समझेंगे आगे, तो यहाँ से लिखा जाएगा एक परिभाषा या नियम के अनुसार यही होगा बच्चे, बोला है कि यह आकर्षण ना, यह क्या होगा, यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, या आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आकर्षण बल मान लेते कि F है, समानुपाती के साइन दे देंगे, दोनों आवेशों के गुणनफल T1 और T2 की क्या करना है, गुणा कर देना है। उसके बाद साथ ही देखिए, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, बटा वर्ग आर की क्या हम लोग करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी समानुपाती है, यहाँ भी समानुपाती है, अब दोनों में फोर्स लग रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही में मिला देंगे, इसको लिखा जाएगा संयुक्त रूप से। बहुत अच्छी चीज है, यहाँ से एक नंबर आज ही के पेपर में पूछा जाएगा, क्योंकि भी जो हो रहा है यहाँ से देखिए, P1 P2 1 R² करना क्या है कि ये दोनों एक को एक बार लिख करके और P1 P2 लिखेंगे और इसको गुणा कर देना है इधर से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे है ना, सब एक यहाँ पे समानुपाती के साइन P1 P2 बटा क्या हो जाएगा, R² जो के है, के एक नियतांक है, के को क्या बोला जाता है, एक समानुपाती नियतांक है ना। यहाँ आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते चलेंगे, लिखेंगे यहाँ के एक नियतांक है, यहाँ लिखेंगे क्या, समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। देखिए के का जो एसआई पद्धति में वैल्यू होता है K=1/4πε₀ होता है, और इसका जो वैल्यू होता है 9×10⁹ होगा, ठीक है, पर कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये वैल्यू होता है, और यह वैल्यू किसका होता है, आपका के का वैल्यू होता है। यह समीकरण क्या है, एक है, और समीकरण हम लोग एक से चलेंगे, तो समीकरण एक से देखिए के का वैल्यू लिया गया था, ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर का के 1/4πε₀ को लिए थे। अब समीकरण एक क्या है बच्चे, समीकरण यहाँ से F=K(T1Q2)R²। यदि हम K का वैल्यू रखेंगे, K का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4πε₀Q1Q2R²। यह था कूलम्ब के नियम।
अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो अब नोट यहाँ से यही है कि चीजें समझ लीजिए, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए। यह बोले कि इस नियम के अनुसार समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा विपरीत आवेश में आकर्षण बल लगता है। समान आवेश कहने के मतलब सजातीय आवेश, और दोनों प्लस प्लस का या माइनस माइनस का होगा तब प्रतिकर्षण लगेगा, और दोनों विपरीत कहने के मतलब एक प्लस और एक माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आकर्षण बल लगेगा। यह आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेश मतलब T1 और T2 के गुणा करेंगे और बल के समानुपाती दे देंगे। इनके बीच की दूरी r है और r के जस्ट उल्टा होना चाहिए। पहले स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर उल्टा करने के मतलब 1/r स्क्वायर हो जाएगा। यह एक में से एक लिखेंगे, समानुपातिक साइन एक लिखेगा, दोनों के गुणा कर देंगे, बाकी समीकरण एक हो जाएगा। यहाँ पे समानुपाती के साइड हटाएंगे तो एक k लेंगे और k इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट होता है, और उसका वैल्यू भी लिख दिया कि 9×10 की पावर क्या होना चाहिए 9 और c माइनस 2 मतलब कूलम्ब पर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। समीकरण एक, समीकरण एक उठा देंगे यहाँ पे से रखेंगे, k का वैल्यू पुट करेंगे, यह था आपका कूलम्ब का नियम। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ से थोड़ा नोट आप लोग लिख लीजिएगा, मेन तो यहीं तक था। देखिए नोट बनाइएगा, पहला जो होगा आप एक एक करके लिखिएगा ना। पहला है SI मात्रक में K का मान, SI मात्रक में K का मान लगभग कितना दिया जाता है 9×10^9 दिया जाता है, ठीक है, क्या होता है। उसके आगे भी और भी बोल सकते हैं, k इक्वल टू क्या होता है दूसरा में हम लोग बोलेंगे k इक्वल टू 1/4π E0 Q1 Q2 r² ये हो। उसके बाद इसी को हम लिखेंगे 3×9×10^9 होगा, माइनस क्या होगा C^-2 होगा, न्यूटन और मीटर स्क्वायर होगा, ये चीजें होता है। तीसरे में हम लोग देखेंगे, तीसरा वाला बहुत भी दिया है कि यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसको बोला जाता है को क्या बोलेंगे, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता बोला जाता है, आकाश या निर्वात की, या ठीक है निर्वात की हम लोग क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है, विद्युतशीलता कहा जाता है। तो इसको याद रखेंगे कि इनोड को मुक्त आकाश या निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। उसके बाद हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे आगे, तो जो इनोड होता है ठीक है, या परावैद्युतांक भी बोला जाता है इसको, या हम लोग इनोड को क्या बोलेंगे बताइए जी, परावैद्युतांक भी बोलेंगे, ठीक है क्या बोलेंगे, परावैद्युतांक भी बोलेंगे। उसके बाद है, आप लोग इसको नोट कीजिए, समझिए, अपने कोशिश कीजिए, आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो यह था कूलम्ब के नियम। आप मेन चीज इसको याद रखिएगा कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है उस बल को हम क्या नाम देंगे, कूलम्ब के नियम से प्राप्त होता है वो बल होगा कूलम्ब बल होगा। कूलम्ब जो बल होता है एक केंद्रीय बल होता है, इसको हम नोट करवाएंगे जब सदिश रूप लिखवाएंगे, कूलम्ब के जो नियम है उसका सदिश रूप देखेंगे तो उसमें थोड़ा पॉइंट और लिखवाएंगे। फिलहाल यहाँ से हम लोग देखेंगे पॉइंट को, तो थोड़ा आगे हम लोग कोशिश करते हैं समझने के। जो अगला पॉइंट होगा देखिएगा, अगर SI मात्रक ना, अगर हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है मात्रक, तो आप बोलिएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको बोला जाता है F/m ना। एफ कहने के मतलब क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे फैराड ना, पर मीटर होता है, ठीक है, ये चीजें लोग करेंगे।
उसके बाद जो इनोड का मात्रक होता है तो हम लोग जान गए। इसके बाद इनोड का हम लोग क्या देखिए औसतन नोट होता है याद करने के लिए नोट करेंगे इनोड का मान ठीक है क्या मान यहां से 8.854 × 10−12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ये चीजें आपको याद रखना है। ऐसा ही मात्रक हम निकाल करके दिखा रहे हैं थोड़ी देर के बाद इसको क्या आता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद लिखेंगे बीमा लिखेंगे ठीक है। अगर हम बीमा की बात करेंगे इनोड का बीमीय सूत्र की बात करेंगे बीमीय सूत्र तो देखिए बीमीय सूत्र क्या होगा ये कूलम्ब का ऐसा यूनिट है कूलम्ब का जो बीमा होता है एपी होता है और ऊपर से स्क्वायर होगा। न्यूटन न्यूटन मतलब क्या होता है बल का तो बल का बीमा ये चीजें होता है और ए क्या होगा एल माइनस टू हो जाएगा। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा ए पी ए स्क्वायर टी स्क्वायर होगा पर ए माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे माइनस लिखेंगे यहां से जो है माइनस ए मिलेगा एल माइनस वन एल माइनस टू मिलकर के एल माइनस थ्री दे देगा। टी का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो फोर हो जाएगा और यहाँ से लिखेंगे ए का स्क्वायर यह क्या हो गया आपका बीमा हो गया और यह बीमा किसका होगा आपका यह बीमा होगा इनोड का बीमा होगा। अब नहीं समझ में आ रहा थोड़े देर के बाद हमें सही इसको अलग तरीका से निकालेंगे। उसके बाद है कि दो आवेश के बीच लगने वाला जो बल है उसको हम क्या करेंगे कूलम्ब बल कहा जाता है। दूसरी बात है जो कूलम्ब नियम कूलम्ब का नियम क्या हो गर्मी लग रहा है क्या ज्यादा गर्मी लग रहा है कूलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए सही है ठीक है क्या है बिंदु आवेश के लिए सही है। उसके आगे हम लोग बता लिखेंगे कि कूलम्ब बल एक केंद्रीय बल होता है एक का लिखेंगे केंद्रीय बल होता है केंद्रीय बल होता है ठीक है केंद्रीय बल होता है क्योंकि यह बल होता है आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो ये चीज आप लिखिएगा कि कूलम्ब का जो नियम है बिंदु आवेश के लिए ही सही होता है। अब कूलम्ब बल एक क्या है केंद्रीय बल है कूलम्ब बल किसके बीच में लगता है तो दो आवेश के बीच में लगने वाला बल है। तो यह था थोड़ी सी जानकारी लेकिन हम लोग बात करेंगे इसका एसआई मात्रक और इसका बीमीय सूत्र होता कैसे है तो हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे नोट करके। तो आप पहले इसको यहाँ से लिखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे तीसरा पॉइंट के बाद चौथा मान लेते ये चौथा पॉइंट है ये पांचवा पॉइंट है और ये छठा पॉइंट है ये सातवा पॉइंट है और ये आठवा पॉइंट है ये पहला था या दूसरा था या तीसरा था। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नोट कीजिए। कभी कभी इसका ऐसा ही मात्रक ए भी पूछ लिया जाता है कभी ए भी होता है। इसका बीमीय सूत्र हमने निकाल दिया है बीमीय सूत्र नहीं समझ में आया होगा इसका ऐसा ही मात्रक नहीं समझ में आएगा तो हम लोग फिर से कोशिश करते हैं निकालने के लिए। तो निकालते हैं आगे तो अब हम इसका ऐसा ही मात्रक और बीमा फिर से ट्राई कर लेते हैं देखिएगा क्या होगा। Since F equal to होता है 1/4πE0Q1 और Q2 / r2 यदि हम और आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4πE0F r2 = Q1 Q2 आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है कि E नोट क्योंकि E नोट का ही बात हो रहा है मतलब ऑप्शनल नोट तो ये Q1 Q2 हो जाएगा और ये क्या होगा 4π × F r2 होगा। ये चीजें निकल गई समझ में आया ना नहीं समझ में आएगा तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं या लिखेंगे F इक्वल टू देखिएगा एक Q1 Q2 / 4π ε0 r2 होगा
तिरछा तिरछी गुना कर दिए, गुना करके ई नोड का व्युत्क्रम निकालेंगे तो बाकी इसके बीच क्या है। अब हम लोग लिखेंगे ई नोड का एसआई मात्रक। ध्यान से देखिएगा, क्यू वन क्यू क्या है, आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। ए भी क्या है, क्यू टू आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। या फोर नंबर है, इसका कोई एसआई मात्रक बीमा नहीं होगा। पाई का भी कोई एसआई मात्रक बीमा नहीं होता है। एफ बल, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और आर मतलब दूरी, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। और इसी को लिखेंगे, देखिएगा, सी इंटू सी, सी का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू, ये देखिए एन ऊपर गया तो माइनस लेकर के, ऊपर गया एन तो क्या हो जाएगा, ए। और इसी को हम लोग सोल्व करके क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फैराड द मीटर। ये जो फैराड है वो धारिता का एसआई मात्रक है, तो इसका दो एसआई मात्रक, या तो ये होगा या तो ए भी होगा एग्जांपल के लिए। उसके बाद देखिएगा ध्यान से इनोड का बीमा हम लोग देखेंगे। इनोड का क्या करेंगे, बीमा देखेंगे या बीमीय सूत्र देखेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि इनोड इक्वल टू होगा की वन क्यू टू बटा क्या होता है, फोर पाई एफ आर स्क्वायर होगा। अब इनोड का हम लोग क्या करेंगे, बीमा देखेंगे। की वन का जो बीमा होगा, की आवेश, आवेश का बीमा होता है एटी, एटी होगा। फिन आवेश है तो एटी होगा। चार चार का कोई बीमा होता नहीं है। पाई पाई का बीमा नहीं होता है। एक बल, बल का बीमा होता है ए बेट पी माइनस टू होता है। और आर मतलब एल, आर दूरी, दूरी का बीमा एल होता है। और एल का स्क्वायर करेंगे केपीआर। ये सब कहाँ चला जाएगा बच्चे, ऊपर चला जाएगा। ध्यान से, ए और ए का मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर मिलेगा, टी और टी होगा तो टी का स्क्वायर मिलेगा। एम ऊपर गया तो क्या लेकर के गया, माइनस, क्योंकि देखिए साइन चेंज हो जाएगा, ये सब ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा। एम ऊपर गया तो पावर में माइनस हो गया। एल और एल स्क्वायर, एल स्क्वायर देखिए एल है और एल टू है तो क्या मिलेगा, थ्री मिलेगा। एल और एल और एल टू थ्री मिलेगा पावर, ऊपर गया तो क्या लेकर के माइनस। टी के पावर माइनस से ऊपर गया तो क्या लेकर के प्लस जाएगा। अब देखिएगा एम एल टी, एम एल माइनस थ्री, टी और टी भी करके क्या होगा, चार होगा, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर और फिर क्या लिखेंगे एक आए। यही आपका बीमा था जो कि बीमा हम लोग निकाल दिए, ठीक है। तो ये छोटा सा सिंपल जानकारी तो था कि ये बल का मतलब क्या होता है, कूलम बल से हम लोग निकालेंगे और यहाँ से आप सोलर नोट का वैल्यू निकाल देंगे। की वन और की टू, की क्या होता है आवेश है, आवेश का ऐसे मात्रक कूलम होता है, कूलम होता है फोर पाई, फोर का संख्या, संख्या का कोई ऐसे मात्रक नहीं होता है। यह जो पाई है, पाई बास 22/7 या 3.14 लेंगे तो उसका एसआई मात्रक नहीं होगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा। और आर मतलब दूरी, दूरी का एसआई मात्रक मीटर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये चीज ऊपर गया तो ये माइनस वन और ये माइनस टू हो जाएगा। इसी को इसका भी लिखा जाता है, तोड़ करके फिलहाल नहीं बता रहे हैं, बता देंगे इसमें भी कैसे आता है। ई नोट का बल बीमा देखेंगे तो ई नोट इक्वल टू निकाले हैं, मतलब आप सोलर नोट इक्वल टू निकाले हैं। पी वन और पी टू, फोर पाई का बीमा होता नहीं है। दो तरह से डिफिनेशन लिखेंगे इसमें होता है, यदि दोनों आवेश के बीच निर्वात न होकर, यदि दोनों आवेशों के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम, ठीक है, कोई माध्यम हो तो उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, अपेक्षित परावैद्युतता कहा जाता है, ठीक है। इसे ई आर द्वारा
द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। माध्यम की परावैद्यता, नहीं या परावैद्य हो, उसके बाद बटा क्या होगा, निर्वात की परावैद्यता। यहाँ हम इसको लिखेंगे ER इक्वल टू A लिखा जाएगा E, अब बटा इसको लिखेंगे E। ठीक है, ये चीजें आपको फॉर्मूला याद रखना है। इसका देखिए SI मात्रक नहीं होता है, SI मात्रक नहीं होता है, उसके बाद कोई बीमा भी नहीं होता, जब SI मात्रक नहीं होता बीमीय नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें एक ही है, यहाँ भी परावैद्यता है और यहाँ भी परावैद्यता है, दोनों चीजें सेम टू सेम है ना, तो एक कट जाएगा, क्योंकि इसका SI मात्रक, इसका SI मात्रक रेशियो का होता है, अनुपात का होता है, तो इसमें अपेक्षित एक केवल फॉर्मूला आपको लगता है कि ER इक्वल टू E बटा क्या करेंगे ऑप्शनल नोट होता है, यदि दोनों आवेश के बीच, दोनों आवेशों के बीच ना, यदि दोनों आवेशों की बीच निर्वात न होकर के, ठीक है ये लिख देना यहाँ से, के बीच निर्वात न होकर कोई माध्यम हो तो उस माध्यम को अपेक्षित परावैद्युतता कहा जाता है, इसे ER द्वारा सूचित किया जाता है। इसका फॉर्मूला ये चीज होता है, ऐसा ही मात्रक नहीं होता है, धीमा भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये भी देखिए दोनों चीजें सेम टू सेम है, एक परावैद्युतता है यहाँ भी है ना, इसको परावैद्युतांक भी बोला जाता है, ये माध्यम भी परावैद्युतांक भी कहेंगे या निर्वात की परावैद्युतांक भी कहेंगे, दोनों सेम टू सेम है, इसलिए कट करके कहा इसका SI मात्रक और बीमा नहीं होगा। तो आज के क्लास में हम लोग देखे क्या, मात्र यही हम लोग देखे चालक, उसके बाद विद्युत रोधी देखे, उसके बाद कूलम्ब का नियम देखे, उसके बाद अपेक्षित परावैद्युतांक या परावैद्युतता देखे, और चार पांच के हम लोग क्या करेंगे छोटा छोटा पॉइंट देखें। तो यदि क्लास अच्छा लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, और मिलते हैं हम लोग L4 के साथ कूलम्ब के जो नियम देखेंगे सदिश रूप में देखेंगे अगले क्लास में।